हेलो एवरीवन, डीआईपी लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 5 में सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस देखने जा रहे हैं। ओके, सो बेसिकली डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में वहाँ पे हमारे पास टोटली 3 टाइप के इमेजेस होते हैं। ओके, तो पहला जो है वो है बाइनरी इमेज, दूसरा होता है ग्रे स्केल इमेज, और जो तीसरा होता है वो होता है हमारा कलर इमेज। ओके, तो अभी डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस, जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देखे हैं कि हम लोग एनालॉग इमेज को डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमने सैम्पलिंग क्वांटाइजेशन देखा, अगेन हमने सेंसर्स का भी यूज देखा है कि सेंसर कैसे इमेजेस को एक्विजिशन करते हैं और हमें कैसे इमेज ट्रांसफॉर्म, जो एनालॉग इमेज है वो एज अ डिजिटल इमेज के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके मिलता है। तो जो आप इमेजेस देखते हैं, तो बेसिकली अभी जो हम लोग कलर के प्रेजेंस में कोई भी इमेज देखते हैं तो वो सारे के सारे हमको कलर इमेज में दिखते हैं। ओके, बराबर है। और जैसे कि हम लोग प्रीवियसली अगर एक एग्जांपल के तौर पे देखा जाए या फिर बोला जाए, तो जैसे कि हमारे प्रीवियस मतलब करीब 90s में जो टीवी होते थे हमारे पास, तो ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, तो उस टाइम पे हमारे पास कलर वाले टीवीज प्रेजेंट नहीं थे। तो अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे मॉडर्न एज आते गया उस हिसाब से जैसे R&D होती गई, ठीक है, तो उसके हिसाब से कलर इमेज भी हमारे जो इमेजेस हैं वो कलर इमेज भी आता गया। ओके, तो जैसे कि अभी हम लोग बेसिकली देख लेते हैं कि सबसे पहला जो इमेज है हमारा वो है बाइनरी इमेज। तो बाइनरी इमेज क्या होता है, इसमें सिर्फ दो ही वैल्यू हो सकती है। ओके, तो एक तो जीरो हो सकता है और नहीं तो एक वन हो सकता है। जैसे कि आप इधर एक इमेज में देख पा रहे होंगे कि एक टोटली ब्लैक है जो कि जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक होता है वाइट जिसको हम लोग वन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपका जब स्क्रीन, मोबाइल का स्क्रीन जब बंद होता है तो उस टाइम पे आपको कौन सा कलर दिखता है, ब्लैक ही कलर दिखता है, और जब चालू करते हैं कुछ कोई थीम दिखता होगा आपको, तो थीम कैसा कलर में दिखता है, बट मैं ब्लैक एंड व्हाइट की बात कर रहा हूँ। कि सपोज आपका मोबाइल बंद है तो उस टाइम पे आपको सिर्फ ब्लैक दिखेगा, और सपोज आपको मोबाइल चालू हो जाता है तो उस टाइम पे आपको सिर्फ व्हाइट इमेज दिखेगा। ओके, तो वो होता है आपका ब्लैक एंड व्हाइट, यानी उसी को हम लोग कहते हैं बाइनरी इमेज। और वो क्या करता है, सिर्फ बहुत ही लो वैल्यू कंसिडर करता है, वेरी लेस स्पेस कंसिडर करता है, बिकॉज सिर्फ उसके अंदर दो ही वैल्यू होती हैं। ठीक, तो वो क्या होता है, 2 to the power 0 होगा। ओके, तो सिर्फ दो ही वैल्यूज प्रेजेंट हैं, एक इस पे ओके, एक तो ब्लैक होगा नहीं तो क्या होगा, वाइट होगा, बराबर है। तो आपका बाइनरी इमेज जैसे कि 0 1, उसी को हम लोग जैसे कि 0 स्टैंड फॉर ब्लैक, वाइट स्टैंड फॉर वाइट, 1 स्टैंड फॉर वाइट। ओके, तो सिंपली 0 और 1 जो है वो आपका बाइनरी इमेज हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग क्लियर हो गया होगा, तो हम लोग दूसरा वाला आप लोग अगर डेफिनेशन लिखना चाहते तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, फाइन। तो उसके बाद जो दूसरा वाला इमेज होता है वो है हमारा ग्रे स्केल इमेज। तो ग्रे स्केल इमेज क्या होता है, ये सिर्फ हमको ब्राइटनेस इंफॉर्मेशन बताता है। जैसे कि एक तौर पे बोला जाए कि अभी ब्लैक एंड व्हाइट दिखा रहा था, ठीक है, अभी इसके बीच में अभी सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट, हमको सिर्फ दो ही टाइप के इमेजेस दिख रहे हैं, एक तो ब्लैक दिखेगा नहीं तो व्हाइट दिखेगा। बट अभी ग्रे स्केल इमेज में क्या हो गया, हमने यही ब्लैक एंड व्हाइट को क्या कर दिया है, स्केलिंग कर दी है इसकी, ठीक है। तो एक टोटली ब्लैक रहेगा, फिर उससे थोड़ा सा हल्का सा ब्राइट रहेगा, फिर उससे और हल्का ब्राइट रहेगा, ऐसा करते करते आपके टोटल 8 स्टेजेस बनेंगे आपके पिक्सल के। ओके, तो हर एक पिक्सल में टोटल कितने 8 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, हर एक पिक्सल में 8 पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो कि एक टोटली डार्क रहेगा, फिर उससे थोड़ा सा फेंट रहेगा, उससे और फेंट रहेगा, उससे और फेंट रहेगा, ऐसे करते 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 कहा था टोटली वाइट तक जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का आपका ग्रे स्केल इमेज, उसको ग्रे स्केल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग ग्रे को क्या करते हैं, जो ग्रे लेवल होते हैं तो हम लोग ग्रे लेवल को ही क्या करते हैं, स्केल करते हैं। जैसे ये हमारा बाइनरी इमेज है तो हमने क्या कर दिया, बाइनरी इमेज को ही स्केलिंग कर दी है, तो आपका बन जाता है ग्रे स्केल। तो अब देखिए ये जो आपका ये तो क्या सिंपली आपको ब्राइटनेस इंफॉर्मेशन बताता है, ग्रे लेवल्स में इमेजेस जो होते हैं वो आपको सिंपली ब्राइटनेस का इंफॉर्मेशन बताते हैं कि कौन से इंस्टेंट पे कितना ब्राइटनेस है। ओके, उसके बाद ये जो पिक्सल होता है, जो एक पिक्सल होता है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 8 और 16
और 24 बिट्स, तो आप उसको 8 बिट से भी दिखा सकते हैं, 16 बिट से भी दिखा सकते हैं, या फिर 24 बिट से दिखा सकते हैं। अब वो आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो सिस्टम है या फिर जो कंट्रोलर या फिर जो प्रोसेसर है वो कितने बिट का प्रोसेसर है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको 8 बिट का है, 16 बिट का है, फिर 24 बिट का इमेज मिल सकता है। ओके, तो देखिए हम आगे अगले पेज पे हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपके सामने ये एक इमेज दिख रहा होगा, अभी ये फ्लैश की वजह से ये जो ब्लैक कलर जो मैंने डार्क किया है तो वो थोड़ा चमक रहा होगा, तो ज़्यादा डार्क है इसलिए थोड़ा सा वो ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है। ओके, शायद अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो अभी देखिए इसमें जैसे कि अभी इधर लिखा है, जैसे कि अगर 8 बिट का है तो कितना हो जाएगा, 2 to the power 8, मतलब एक पिक्सल में कितनी वैल्यूज होती हैं, टोटल 8 वेरिएशंस होंगे। कितने होंगे, टोटल 8 वेरिएशंस होंगे, मतलब अभी 2 to the power 8 कर दिया तो टोटल मेरे को वैल्यू कितनी मिलेगी, 256, यानी 1 से लेकर 256 तक वेरिएशंस मिल जाते हैं। मतलब इतने क्या हो सकता है, एक पिक्सल जो है मेरा वो इतने वैल्यूज कंटेन कर सकता है। अगेन उसके बाद अगर आप उसके आगे देखेंगे तो ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 16 बिट रहेगा तो कितने पॉसिबिलिटीज हो जाएगी, 2, 6, 5, 5, 3, 6। तो इस तरीके से जितने आपके बिट, जितना आपका प्रोसेस जितने बिट का रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपको उतने वेरिएशन मिल जाएंगे, उतनी स्केलिंग मिल जाएगी। बराबर, तो ये आपको एज अ होमवर्क समझ लीजिए और इसका आप आंसर फाइंड करिए, तो इसका देखिए कि पॉसिबिलिटीज कितनी आती है, मतलब कितने वेरिएशंस इसके अकॉर्डिंग आती है। तो ये जब आप करेंगे तो इसका वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये जो ग्रे लेवल है, तो ये जो ग्रे स्केल है, तो ये इस इमेज, ये वाला इमेज कहाँ से कहाँ तक जा सकता है और आपको कितनी ज़्यादा क्लियरिटी मिल सकती है। बराबर है कि अब आप खुद ही सोच सकते हैं, अगर 2 to the power 24 रहेगा तो कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी आ जाएगी, आपके पास कितनी ज़्यादा पिक्सल बन जाएंगे। तो जितनी ज़्यादा पिक्सल रहेंगे उतना क्या रहेगा, आपका इमेज क्लियर रहेगा। ओके, तो जैसे कि प्रैक्टिकली या फिर हम लोग थ्योरेटिकली एक ये जो लाइन लिखा है, एवरेज पर्सन कैन डिस्टिंग्विश अबाउट 40 शेड्स ऑफ ग्रे। जो एक एवरेज ह्यूमन होता है वो सिर्फ 40 शेड्स को ही क्या कर सकता है, उसको एग्जामाइन कर सकता है, उससे ज़्यादा शेड्स वो उसके वो जो ह्यूमन आइज होती हैं उससे ज़्यादा नहीं देख पाती है। ठीक है, डिस्टिंग्विश अबाउट 40 शेड्स ऑफ ग्रे, मतलब 40 शेड्स के थोड़ा सा आगे कुछ और देख वो डिस्टिंग्विश कर सकती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती है। मतलब आपको इसके अंदर वेरिएशन इतने ज़्यादा मिल जाते हैं कि आपको इमेज काफ़ी क्लियर दिखेगा। तो जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, मैंने इधर लिखा है 0 पे जहाँ पे रहेगा वहाँ पे आपको टोटली ब्लैक मिलेगा। ओके, टोटली ब्लैक रहेगा। और जैसे जैसे अभी इधर क्या हो रहा है, जैसे कि अपने डेफिनेशन में देखा था, ये इंटेंसिटी जो होता है इंटेंसिटी का इंफॉर्मेशन देता है। बराबर है, तो इंटेंसिटी क्या बढ़ रही है, धीरे 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 बढ़ रही है, ब्लैक से 1, 2, 3, 4 ऐसे 255 तक। अभी ये 8 बिट का इमेज है इसलिए ये आपको 0 से लेके 255 तक मिला, और अगर वो आपका 16 बिट का रहता तो 0 से लेके 6, 5, 5, 3, 5 तक जाता था। बराबर है, तो ये हो गया आपका सिंपल ग्रे स्केल इमेज। ओके, तो आई होप सो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे जो है वो है हमारा कलर इमेजेस। तो कलर इमेजेस क्या होती हैं, ये भी एक डिजिटल इमेज होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, कलर इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है, या फिर कलर इन्फॉर्मेशन ही उसके पास रहता है ईच पिक्सल पे, हर एक पिक्सल पे कलर इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट रहता है। और ये जो टाइपिकली इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 24 बिट से, जहाँ पे 24 बिट जो होता है वो 3 सब डिवीजन में डिवाइडेड होता है। जैसे कि 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, तो उसमें से जो 8 बिट रहेगा, 8 बिट फॉर रेड कलर रहेगा, 8 बिट फॉर ग्रीन कलर रहेगा, और 8 बिट फॉर ब्लू कलर रहेगा। जैसे कि आप अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में, अगेन जो मोबाइल होता है, तो इसके अंदर हमको कलर इमेज क्यों दिखते हैं, बिकॉज ऑफ RGB। ये जो RGB ये 3 कलर है, ये 3 कलर के जो इन 3 कलर की जो स्केलिंग की गई है, तो ये कलर जब मिक्स हो जाते हैं तो ये हर एक टाइप का कलर बना सकते हैं। मतलब जो आपको विजिबल होता है, जो आपको कोई भी इमेज दिखता है, तो वो इमेज जो होती है वो इन तीनों के कॉम्बिनेशन के, इन ये जो 3 कलर होती हैं, इन तीनों कलर का जो कॉम्बिनेशन बनता है, तो इन तीनों कलर का कॉम्बिनेशन बन के ही आपको कलर इमेज मिलता है। ओके, तो ये हो गया। अगेन जो कलर इमेज होता है वो 3 वैल्यू कंसिस्ट करता है हर एक पिक्सल पे। 3 वैल्यू कौन कौन सी, रेड, ग्रीन और ब्लू।
तो ये तीन वैल्यू कंसिस्ट करता है, हर एक पिक्सल पे इतनी ये तीन वैल्यू रहेगी, और ये तीन वैल्यू को मिला के ही कोई तो भी आपका एक नया कलर बन जाता है। बराबर, अगेन जो कंपोनेंट्स कंपोनेंट कलर स्पेसेस आर आरजीबी, जैसे कि रेड ग्रीन और ब्लू होता है। अगेन दूसरा जो है वो है एचएसएवी, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हुई सैचुरेशन वैल्यू। ओके, तो ये अभी इतना हमें ध्यान में रखा नहीं तो भी चलेगा। तो मेनली आपका ये इम्पॉर्टेंट है, आरजीबी आपका इम्पॉर्टेंट रहता है जिससे आप कलर बनाते हैं, ठीक है, डिजिटल इमेज में आप कलर बनाते हैं। अगेन सीएमवाई के, ये होता है आपका साइन मैगेंटा येलो ब्लैक, तो ये भी एक कलर का फॉर्म ही है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स फॉर्म होते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस समझ में आए होंगे डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में। ओके फाइन, तो आई होप सो अब आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे, अगर क्वेश्चन पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं, आई होप सो। ओके, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।